नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ALP टेक्नीशियन के साइंस के PY के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें 30 अगस्त 2018 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इससे पहले के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो आप उन्हें प्ले लिस्ट चेक करके ज़रूर देखें। इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स की तालिका में किसको हैलोजन के साथ रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कॉपर और निकल को जो है हैलोजन के साथ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांगों को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राइबोसोम में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? ये राइबोसोम के अंदर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो दोहरी झिल्ली युक्त तो कोशिकांग है, ये कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त, इसके अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और अगर लाइसोसोम की बात की जाए तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, या इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल यानी कि आत्मघाती थैली। इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनका अपचयन होता है, जिसकी वजह से इस लाइसोसोम का पूरे का विस्फोट हो जाता है, यानी लाइसोसोम खत्म हो जाता है, जिसको आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है यहाँ पर क्या होता है? आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री एकदम पीछे की ओर गिरने लगते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो इसको कहते हैं हम न्यूटन के गति का पहला नियम। कौन सा नियम? न्यूटन के गति का पहला नियम। और इसके एग्जांपल अगर बात की जाए तो इसमें जैसे किसी कंबल को डंडे से झटकने पर उसमें से क्या होता है? रेत के कण निकलते हैं। किसी पेड़ की डाली को हिलाने पर फलों का टूटना, ये सारे क्या हैं? जड़त्व के नियम या फिर कहें गति के पहले नियम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प हमको भरना है, तो कली चूना जो होता है वो क्या बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो वो बुझा हुआ चूना बनाने के लिए क्या करता है? पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के द्रव्यमान को उठाने के लिए खर्च की गई थी। द्रव्यमान की ऊंचाई तक उठाया गया, यानी द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक उठाया गया था? तो यहाँ पर देखिए, जूल ऊर्जा खर्च की गई है, कितने की गई है? 9800। तो यहाँ जो वर्क यानी कार्य हुआ है या ऊर्जा खर्च की गई है वो की गई है MGH, कितने की गई है? 9800 बराबर द्रव्यमान। M का मान कितना है? 80। G का मान होता है आपके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण है ये, तो ये हो गया 9.8 गुना। और आपको हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है? आपको हाइट निकालनी है, ऊंचाई। तो यहाँ देखिए, इनको जब काटेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ये कट जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया ये। हाइट निकालेंगे 98 से ये 98 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना? 100, बटे में यह 8 आ जाएगा, यानी 12 8 96 4 बचे तो कितनी बार? 12.5 मीटर जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। इतनी हाइट इतनी ऊंचाई तक इसको उठाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइनोबैक्टीरिया जो है इसके पहले प्रकाश संश्लेषी जीव थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से
किस में नोबल गैसों को रखा गया है? नोबल गैस या अक्रिय गैस, इनको 18वें समूह में रखा गया है, क्या कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहा जाता है। जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इनकी संयुक्तता क्या होती है? जीरो होती है। सबसे स्थायी गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 820 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? यदि उसकी गति किसी माध्यम में 420 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है 820 हर्ट्ज, तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/820। आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का उल्टा होता है, ये इसका आवर्तकाल हो जाएगा। यहाँ देखिए गति दी हुई है 420 मीटर पर सेकंड और हमें निकालना है इसका तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य यानी कि इसकी दूरी जो निकालनी है, तो वो हो जाएगी हमें गति जो वेग है गुना टाइम, तो वेग कितना है 420 गुना 1/820, जीरो से जीरो कट जाएगा, दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21/21 दूनी 42 और 41 दूनी के 82, इसको जब काटेंगे तो भाग जाएगा नहीं 0. ये होगा 210, 41 पंजे 205, बचे कितने 50 एक बार, यानी कि लगभग 0.52 मीटर जिसकी दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी 100 वाट के बल्ब को प्रति दिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, तो 3 दिनों में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत होगी? देखिए जो टोटल ऊर्जा है, यानी एक बार बल्ब है 100 वाट का, वो 5 घंटे चल रहा है, तो गुना हो जाएगा कितने दिन चल रहा है, 3, ये इसकी टोटल ऊर्जा खपत होगी। 1500 वाट, लेकिन इसको अगर यूनिट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का इसके अंदर जब भाग देंगे तो 20 से ये 20 कट गए, बराबर आ गया 1.5 यूनिट। ये था वाट घंटा, क्या था, वाट प्रति घंटा, तो इसको ये बदला यूनिट में, यूनिट होता है जूल प्रति सेकंड, तो ये हो गया 1.5 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। जूल जो है वो किसकी होती है, कार्य और ऊर्जा की इकाई दोनों की समान होती है जूल। वाट विभव, और ये सॉरी वाट किसकी होती है, शक्ति की, वाट होती है शक्ति की, विभव होती है वोल्ट, विभव की क्या होती है, वोल्ट। कूलाम जो है ये किसकी होती है, आवेश की, ये आपको सारी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है? तो ग्रेफाइट जो है आघात वर्धनीय नहीं है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कोई भी धातु अगर उसको पीटने पर कूटने पर वो फैल जाए, लंबा हो जाए, बढ़ जाए, तो वो आघात वर्धनीय यानी आघात को पाकर के बढ़े, वृद्धि हो उसमें, तो ये तीनों जो है आघात वर्धनीय है, ग्रेफाइट ऐसा आघात वर्धनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो पहला कथन है, पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान M1 और M2 हैं जो कि एक दूसरे से r दूरी पर हैं, के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होगा। सेकंड है, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण की SI इकाई है। जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और जी सार्वभौमिक नियतांक का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर वैद्युत अनुपात का नियम दिया था? इसका राइट आंसर होगा आपके जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। नेक्स्ट देखिए, कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो कोशिका विभाजन से संबंधित क्या है, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाण्विक है? तो सल्फर जो है ये बहुपरमाण्विक है, S5, यानी कि इसमें 5 परमाणु जुड़ते हैं, ये सल्फर जो है बहुपरमाण्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो आवृत्ति होती है फ्रिक्वेंसी, उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, ध्वनि की पिच डिपेंड करती है। ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अपना कमेंट करके यह जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपके लिए ये जो ALP प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिनमें CBT 1 और CBT 2 के साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। देखिए, आपके लिए यह एक प्यारा सा ई बुक तैयार किया गया है, जिसका प्राइस आपके लिए ओनली फॉर 25 रुपये रखा गया है, जिसमें CBT 1 और CBT 2 के 39 सेट को कंपाइन किया गया है बहुत ही अच्छे तरीका से। इस प्रकार की आपको डिज़ाइन ये PDF मिलने वाली है, जिसमें शिफ्ट वाइज सभी साइंस के क्वेश्चनों को तैयार किया गया है, ये हेल्पफुल होने वाली है। तो आप चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करके आप यह ई बुक प्राप्त कर सकते हैं।